हेलो गाइस, वेलकम टू अमृत विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और इन टुडेज लेक्चर्स हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप प्रॉब्लम देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ प्रॉब्लम्स, क्या हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, किस प्रॉब्लम से हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आप इस प्रॉब्लम को देखिए और देखेंगे हम लोग कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब के का कौन सा वैल्यू लिया जाए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन का जो सिस्टम है वो क्या हो जाए, इक्वेशन का जो सिस्टम है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए। अब क्वेश्चन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की जगह ये भी दे सकता था कि कोइंसिडेंट हो जाए, या इसके अंदर ये भी दे सकता था कि डिपेंडेंट हो जाए। तो आप डेफिनेशन को थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट और डिपेंडेंट की क्या कंडीशन है, उसकी कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि टू बी है ना, टू हैव, यहाँ ऐसे कर दीजिए, टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए क्या ज़रूरी है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए। तो a1 हमारा 10 और a2 हमारा 20, तो 10 by 20 equal to b1 b2, तो 5 और 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 by 10 हो गया, और c1 c2, तो माइनस ऑफ k माइनस 5, और यहाँ हो जाएगा माइनस के। अब इस स्टेटमेंट को यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, ये भी हमारा कितना आया 1 by 2 आया, ये भी हमारा कितना आएगा 1 by 2 आएगा, तो 1 by 2, ये 1 by 2, ये भी 1 by 2, और यहाँ पर हमारा k माइनस 5 by k। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद जो है आप k माइनस 5 by k को 1 by 2 या 1 by 2 किसी एक के साथ इक्वेट करके, मान लीजिए इसी के साथ इक्वेट कर दिए, तो 1 by 2 equal to k माइनस 5 by k, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो k इक्वल टू यहाँ 2 से होगा तो 2k माइनस 10, इस तरफ आएगा 10, तो k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 10, तो -k इक्वल टू -10, कैंसिल, k की वैल्यू 10, तो k की वैल्यू 10 आएगी स्टूडेंट, जिस कारण से दोनों के क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, k की जगह 10 रख दीजिए, उसके बाद देखिए किस वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इसमें भी वही है कि k की वैल्यू क्या होगी कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाए, उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए स्टूडेंट। तो इसमें k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है जिससे कि इसका क्या हो जाए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन को अरेंज करेंगे, kx + y, इसको इस तरफ लेकर आएंगे, तो -of 2k - 3 = यहाँ 0 हो जाएगा, और ये इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 9x + ky, इधर लेकर आएगा तो -9 = 0। अब यहाँ हमको पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हमें वो कंडीशन पता है कि a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, ये कंडीशन हमें पता है। तो आप यहाँ से पुट कीजिए सारी वैल्यू, k हो जाएगा a1 और a2 हो जाएगा 9, फिर यहाँ 1 है स्टूडेंट तो 1, और यहाँ पर k है, और यहाँ पर हो जाएगा -of 2k - 3 - 9, ये कैंसिल जाएगा स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ k/9 1/k, और यहाँ हमारा हो जाएगा 2k - 3/9। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों तो 1/2 था, तो 1/2 में कोई एक लेकर इसको सॉल्व कर लिए थे हम लोग, बट यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, तो आप फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व करेंगे। केस नंबर वन, ये k/9 = 1/k, तो यहाँ से स्टूडेंट इसको फर्स्ट को 2 को सॉल्व करिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k² हो जाएगा, यहाँ 9 1 जा 9, तो यहाँ k इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो रूट, यहाँ प्लस माइनस,
और रूट ओवर 9, तो k का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 3। अभी केस नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। केस नंबर 2 में हमारा क्या है कि केस नंबर 2 में हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट यानी कि 1 बाई k इक्वल टू 2k माइनस 3 बाई 9। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 3k और ये 9। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो 2k स्क्वायर माइनस 3k, और इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो -9। अब ये तो फैक्टराइज हो गया ना, अब इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चला गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो इसको इसको इंटू करना पड़ेगा। तो 2 9 को इंटू करेंगे तो 18। अब 18 को ऐसे तोड़ो कि कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो 6 इंटू 3 18, और माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ लिखा आएगा 2x² - 6x + 3k और -9 = 0। इसमें इसमें कॉमन कर लीजिए तो यहाँ 2k कॉमन तो k-3 और यहाँ 3 कॉमन तो k-3 = 0। तो 2k + 3 हो जाएगा, यहाँ आपका k-3 होगा स्टूडेंट। तो इसको जब 0 हम लोग बनाएंगे, इस वाले पार्ट को जब इस वाले पार्ट को 0 बनाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, k = -3/2 मिलेगा और यहाँ k = 3 मिलेगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट पहला केस में जो हमारा आंसर आया था वो आया था, पहला केस में जो आंसर आया था वो आया था के की वैल्यू प्लस माइनस 3, मीन्स के की वैल्यू प्लस 3 और के की वैल्यू माइनस 3। और केस 2 में जो हमारा आंसर आया था स्टूडेंट वो आया था के की वैल्यू -3/2 और 3 आया था। अब देखिए दोनों में कौन सा आंसर कॉमन है वही हमारे हमारी जो है के की वैल्यू होगी। नहीं तो फिर एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि ये के की वैल्यू 3 - 3 - 3/2 3 आप इसमें रखेंगे और इसमें रखने के बाद चेक करेंगे कि किस वैल्यू पर वो क्या हो जा रहा है, इनफिनाइट मेनली सॉल्यूशन हो जा रहा है, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको कराया गया है। तो जिस वैल्यू पर इनफिनाइट मेनली सॉल्यूशन शो करेगा वही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। सो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन है, के की वैल्यू क्या होगी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को दिखाएगा। और ये यहाँ पर इक्वेशन दी गई है 2x - 3y = 7 और a + b × x - a + b - 3 × y = 4a + b। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे के की वैल्यू वहाँ पर यहाँ ए और बी की वैल्यू होगा, क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू बताइए, जिससे कि क्या हो जाए आपका, जिससे कि ये जो है सिस्टम ऑफ, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या शो करने लगे, वो शो करने लगे इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन को अगर हमें थोड़ा सा अरेंज करना होगा तो इस तरह से करेंगे 2x - 3y, इसको इस तरफ लेकर आएँ तो -7 = 0। और इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए तो a + b × x - a + b - 3y और इसको इस तरफ लेकर जाते हैं तो -(4a + b) = 0। अब यहाँ लिखेंगे टू हैव इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या जानते हैं कंडीशन, a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, ये जानते हैं। तो वैल्यू सारी वैल्यू यहाँ से रखी जाए, जैसे a1 हमारा 2 है और यहाँ पर a2 हमारा हो जाएगा a + b और b1 हमारा -3 है और b2 हमारा है a + b - 3 और ये हमारा -7 और ये हो जाएगा -(4a + b). तो ये माइनस माइनस कैंसिल। तो एक बार इस वाले पार्ट को लेकर चलेंगे, दूसरी बार इस वाले पार्ट को लेकर चलेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो केस नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। 2a / a + b = -3/a + b - 3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये इतना हमारा हो जाएगा माइनस थ्री ए, ये माइनस थ्री बी, और ये हो जाएगा टू ए टू बी माइनस सिक्स, ऐसे हो जाएगा। अब इस सभी पार्ट को इधर लेकर आइए आप, तो सभी पार्ट को इधर लेकर आएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस थ्री ए माइनस थ्री बी, और ये आ जाएगा माइनस टू ए, इस तरफ से आ जाएगा तो माइनस टू बी और इक्वल टू हमारा माइनस सिक्स। सो स्टूडेंट हमारा ये होने वाला है, ये होने वाला है माइनस फाइव ए, और ये हो जाएगा माइनस फाइव बी इक्वल टू माइनस सिक्स, इक्वेशन नंबर वन हो गया स्टूडेंट। तो ये तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं कहीं पर दिक्कत तो नहीं आ रही है, टू ए प्लस बी और थ्री ए प्लस बी माइनस थ्री। और एक मिनट यहाँ हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पर कुछ जो है, यहाँ जो बी की वैल्यू है आप देख सकते हैं माइनस थ्री है, और यहाँ पर भी जो बी की वैल्यू है, बी के वैल्यू उसमें भी माइनस है, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा एक बार दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वो माइनस छूट गया था आपका। तो टू बाई ए प्लस बी इक्वल टू थ्री बाई ए प्लस बी माइनस थ्री, ये होगा स्टूडेंट इसका एग्जैक्ट। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसमें थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा थ्री ए प्लस थ्री बी इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा टू ए प्लस टू बी माइनस सिक्स। अब इसको इस तरफ से लाया जाए, लाएंगे तो सब माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा तो थ्री ये माइनस आएगा तो ए बन जाएगा, और ये इस तरह से आएगा तो बी बन जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा माइनस सिक्स हो गया और इक्वेशन नंबर हमारा ये वन हो गया। केवल इसको और इसको इस तरफ लाया गया, बाकी माइनस सिक्स को उधर ही छोड़ दिया गया, तो ये आपका माइनस वन इक्वेशन वन बन गया। अभी हम लोग केस टू कर लेते हैं, और केस टू में हम लोग इस दोनों पार्ट को लेकर चलेंगे। तो थ्री बाई ए प्लस बी माइनस थ्री, और यहाँ सेवन बाई फोर ए प्लस बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा ये हो जाएगा, इसको ये हमारा हो जाएगा सेवन ए और ये सेवन बी, और ये हमारा हो जाएगा ट्वेंटी वन, यहाँ हो जाएगा ट्वेल्व ए और ये हो जाएगा हमारा थ्री बी। अब इसको इस तरफ से लेकर आते हैं दोनों को, और 21 को इस तरफ लेकर जाते हैं तो 7a और इधर माइनस ट्वेल्व है माइनस फाइव है, और ये 7b इधर आएगा तो आपका माइनस थ्री बी, तो प्लस फोर बी, और इसको इस तरफ से भेज दिया तो 21, और ये हमारा इक्वेशन यहाँ पर हो गया, इक्वेशन हो गया हमारा ये टू। सो अभी स्टूडेंट हमारे पास दो इक्वेशन निकल कर यहाँ पर आए, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन था हमारा, पहला इक्वेशन था कि a प्लस बी इक्वल टू माइनस सिक्स था, और दूसरा इक्वेशन हमारा निकल कर आया था कितना, दूसरा इक्वेशन जो है हमारा निकल कर आया था, सो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया स्टूडेंट। दूसरा इक्वेशन हमारा जो निकल के यहाँ आया था वो था माइनस फाइव ए प्लस फोर बी इक्वल टू ट्वेंटी वन। अब जो है हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम कौन से ए वाले टर्म को कैंसिल कराना चाहेंगे, ये बी वाले टर्म को कैंसिल कराना चाहेंगे। अगर ए वाले टर्म को कैंसिल कराना चाहेंगे तो यहाँ माइनस फाइव ए है, यहाँ पर कोफिशियंट वन है, तो यहाँ भी आपको फाइव ए कराना पड़ेगा। अगर बी को कराना चाहते हैं कैंसिल तो यहाँ फोर है, तो यहाँ भी कराना पड़ेगा फोर बी। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी को देखते हैं, फर्स्ट को ही कराते हैं। तो यहाँ फाइव ए है तो इसमें भी मैं फाइव से इंटू कर देता हूँ ताकि क्या हो जाए, ये भी फाइव ए हो जाए। तो ये हमारा कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर ये हमारा हो जाएगा 5a प्लस 5b इक्वल टू 5 इंटू माइनस सिक्स माइनस थर्टी, और ये आपका जो कहते हो 5a प्लस 4b इक्वल टू 21। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे एडिंग, तो ये कट जाएगा प्लस माइनस, और ये हमारा हो जाएगा 9b और ये हमारा आ जाएगा माइनस नाइन। तो ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू माइनस वन आ गई। अब ये बी की वैल्यू माइनस वन आ गई तो ये दोनों इक्वेशन में से किसी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखते हैं ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उस चीज़ को समझिए। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ रखेंगे पुटिंग
पुटिंग वाई बी इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, जैसे फर्स्ट में मैं रख रहा हूँ तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सिक्स, और ए प्लस बी की वैल्यू माइनस वन इक्वल टू माइनस सिक्स, तो ए माइनस वन इक्वल टू माइनस सिक्स, ए इक्वल टू ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितना आ गया आपके यहाँ पर, फाइव आ गया। सो स्टूडेंट हमने देखा हैंस ए की वैल्यू हमारे पास माइनस फाइव आती है, बी की वैल्यू हमारे पास वन आती है, और इस तरह से ये आंसर हुआ। सो अभी स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे इनफाइनाइट मेली सॉल्यूशन वाला। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा धीरे धीरे क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि पी और क्यू का वैल्यू बताना है जिससे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रखने लगे। तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4x प्लस 5y, इसको दो किस तरफ लाएंगे तो माइनस टू इक्वल टू जीरो, अब यहाँ हो जाएगा 2p प्लस 7q, और यहाँ हो जाएगा x प्लस p प्लस 8qy, और इस तरफ लेकर आएंगे इसको तो माइनस ऑफ 2q माइनस p प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ हम लोग को पता है कि टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन होने के लिए हमें कंडीशन पता है ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये कंडीशन होती है स्टूडेंट। अब इस कंडीशन पर हम लोग सारी वैल्यू को रखते हैं, जैसे हमारा ए वन यहाँ पर हो जाएगा फोर, और हमारा ए टू हो जाएगा यहाँ पर ये, तो फोर बाई टू पी प्लस सेवन क्यू इक्वल टू बी हमारा यहाँ फाइव, और यहाँ बी वन हमारा यहाँ पर फाइव, और बी टू हमारा पर ये हो जाएगा पी प्लस एट क्यू इक्वल टू सी वन हमारा माइनस टू, और सी टू हमारा यहाँ पर माइनस ऑफ टू क्यू माइनस पी प्लस वन, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। उसके बाद इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको दूसरी बार सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन यहाँ भी आपको निकल कर आएगी। तो हम लोग केस वाइज इसको बनाते हैं, केस वन केस टू करके इस तरह से बना रहे हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं केस नंबर वन, केस नंबर वन सी नंबर वन, केस नंबर वन में हम लोग फोर बाई टू पी प्लस सेवन क्यू इक्वल टू फाइव बाई पी प्लस एट क्यू। अब इसको इक्वेशन के रूप में हम लोग ला देते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन के रूप में लाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा टेन टेन पी हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा थर्टी थर्टी फाइव क्यू, और ये यहाँ पर हो जाएगा फोर पी, और ये हो जाएगा हमारा थर्टी थर्टी टू क्यू। इस तरफ इसको लेकर जाते हैं, इसको इस तरफ लेकर जाते हैं, या दोनों को एक तरफ लेकर आते हैं, तो दोनों को एक तरफ लेकर आएंगे तो टेन में से ये फोर चला जाएगा तो सिक्स पी आ जाएगा, और थर्टी फाइव में से थर्टी टू थर्टी थ्री क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर थ्री कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट, तो टू पी प्लस हमारा यहाँ आएगा क्यू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ थ्री इंटू में है, इधर भेजेंगे तो वो डिवाइड बन जाएगा, तो टू पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो बाई थ्री, तो टू पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट जीरो, इक्वेशन नंबर वन ही आ गया। उसी तरह से केस नंबर टू जब हम चलेंगे, ये केस नंबर वन हो गया, केस नंबर टू में हम लोग क्या चलेंगे, ये फाइव बाई यहाँ फाइव बाई पी प्लस एट क्यू इक्वल टू यहाँ टू अपॉन टू क्यू माइनस पी प्लस वन, इसको भी इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका आंसर आने वाला स्टूडेंट फोर पी प्लस थ्री क्यू इक्वल टू टू, ये इक्वेशन टू आ जाएगा। मैंने इस तरह से सॉल्व नहीं किया, आप कर लीजिए खुद से। तो इस तरह से सब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी भी इक्वेशन क्या बन के आएगी, फोर पी प्लस थ्री क्यू इक्वल टू टू, ये इक्वेशन बन के यहाँ पर आएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा पी और क्यू आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन बनकर आ जाती है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आपको कोई ना कोई टर्म को कैंसिल कराना पड़ेगा, लाइक पी को या क्यू को। तो अगर हम पी को देखते हैं तो ये टू पी है, ये फोर पी है, तो अगर इसमें टू से इंटू कर देंगे तो ये भी तो फोर पी हो जाएगा बिल्कुल। तो ये फोर पी इक्वल टू टू क्यू इक्वल फोर पी प्लस टू क्यू, ये टू से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा फोर पी, ये हो जाएगा टू क्यू, ये हमारा हो जाएगा जीरो। और इसको हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे सेम। अब आप देखेंगे कि ये दोनों टर्म कैंसिल कैसे होगा, तो दोनों तो प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा,
अगर सेम साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट साइन होता है तो एडिशन करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट में साइन बदल जाता है, इसका प्लस है तो माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, तो कैंसिल हो गया। अब 2q माइनस 3q, तो माइनस क्यू यहाँ पर आएगा और 0 माइनस 2 होती है माइनस 2, और ये कैंसिल हो गया। क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ लिख दीजिए आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में क्यू की वैल्यू रख सकते हैं, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ वैल्यू यहाँ पर। तो 2p का 2p, क्यू की वैल्यू 2 इक्वल टू 0, 2 इस तरफ जाएगा तो 2p इक्वल टू माइनस 2, 2 कैंसिल वन टाइम, p की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल कर आ गई, p की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 निकल कर आ गई। तो हैंस हम लोग कहेंगे कि p की वैल्यू माइनस 1 और q की वैल्यू यहाँ पर 2 आती है, और इस तरह से इक्वेशन सॉल्व होता है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे यूनिक सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ग्राफ जानेंगे। ग्राफ इसलिए मैंने शुरू में नहीं बताया, लास्ट में बताऊंगा मैं ग्राफ, और फिर वर्ड प्रॉब्लम इसका करेंगे, ठीक है।